gauss's law ki dusri application karenge, which is electric intensity due to an infinite sheet of charge. Consider an infinite sheet of charge on which positive charges are uniformly distributed. Us infinite sheet ka ek finite segment aapke samne shakal mein maujood hai. Hamara task hai ki humne is infinite sheet ki wajah se is kuch faasle par maujood ek point P par electric field intensity find karna hai. तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होगी और यहां पर गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस हम कंसीडर करेंगे. ये आपके सामने सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है जो कि उस इनफाइनाइट शीट के अंदर से पास हो रही है और दोनों तरफ उसके फ्लैट एंड फेसेस मौजूद हैं. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर इस इनफाइनाइट शीट का कितना चार्ज आता है. तो ऐसा करने के लिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का पता होना जरूरी है. वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए. चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. और यहां से अगर क्यू की वैल्यू देखें तो क्यू आ जाएगा हमारे पास सिग्मा इनटू ए. ये वो चार्ज होगा जो उस क्लोज सरफेस के अंदर होगा, क्योंकि यहां पर ए जो हमने लिया है वो फ्लैट एंड आप सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस का एरिया भी ए ही लिया हुआ है. तो तीसरा स्टेप हमारा होता है फ्लक्स. हमने फाइंड करना है थ्रू क्लोज सरफेस तमाम सरफेसेस, उस क्लोज सरफेस की तमाम साइडों पर कितना टोटल फ्लक्स पास हो रहा है. तो यहां दो फ्लैट एंड फेसेस हैं. राइट साइड वाला फ्लैट एंड फेस अगर देखें तो इस फ्लैट एंड का जो वेक्टर एरिया है वो सीधा बाहर की तरफ निकल रहा है. इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहां पर सीधी बाहर की तरफ है. दोनों पैरेलल हैं. दोनों के पैरेलल होने की वजह से जो यहां पर फ्लक्स आएगा ई डॉट ए कॉस ऑफ थीटा आएगा. यहां थीटा फिर 0 डिग्री पुट कर लेंगे और कॉस 0 1 हो जाएगा और फ्लक्स आपके पास ई ए आ जाएगा. इसको आपने 5 1 कह दिया, फ्लक्स थ्रू राइट एंड फ्लैट सरफेस. इसी तरह से फ्लक्स थ्रू लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस भी ई ए ही आएगा. क्यों? क्योंकि यहां पर भी अगर आप देखें तो जो फ्लैट एंड फेस का वेक्टर एरिया बनता है वो सीधा बाहर की तरफ, लेफ्ट साइड पर सीधा बाहर की तरफ है और ए की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड ऑफ शीट सीधी लेफ्ट साइड की तरफ ही निकलती है. दोनों पैरेलल हैं. दोनों पैरेलल हैं तो थीटा 0 डिग्री आएगा और कॉस 0 1 होगा. इस तरह से ये फ्लक्स होगा. तीसरा डिटेल मैंने ना ही लिखा हुआ है ना ही हमने लिखना है उसको ज्यादा डिटेल से, लेकिन हमें यहां पर पता है कि कर्व्ड सरफेस है. कर्व्ड सरफेस सारे की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ रही है. तो जब सरफेस पैरेलल होती है तो हमें पता है कि फ्लक्स 0 होता है, उसमें से फ्लक्स पास नहीं करता. तो इस तरह से कर्व्ड सरफेस जो होगी सिलेंड्रिकल सरफेस की, सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस की, उस कर्व्ड सरफेस में से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा और हम फाई e3 को 0 पुट कर देंगे. दरअसल दूसरे एस्पेक्ट से अगर देखें तो वो भी आप देख सकते हैं कि इस कर्व सरफेस के पैचेस बना लें आप मुख्तलिफ और हर पैच का वेक्टर एरिया होगा. वेक्टर एरिया सीधा बाहर की तरफ होगा, आउटसाइड द सरफेस नॉर्मल होता है. तो यहां अगर इस कर्व सरफेस का ऊपर वाला हिस्सा लें तो यहां फ्लक्स ऊपर की तरफ सीधा पॉइंट करेगा और जब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा तो इसको अगर मैं फिगर से यहां पर ड्रा करूं आपके सामने तो इस ऊपर वाले हिस्से का वेक्टर एरिया सीधा इस तरफ होगा जो कि आप इस फील्ड लाइन के देखें 90 डिग्री पर आ रहा है. तो 90 डिग्री पर आ रहा हो तो cos 90 0 हो जाता है और लिहाजा फ्लक्स 0 हो जाएगा. तो टोटल फ्लक्स फिर कितना हुआ जी? टोटल फ्लक्स हुआ 51 + 52 + 53 और इनकी वैल्यूज लिखें, 2 तो ea है और 1 0 है तो टोटल फ्लक्स आ गया 2EA. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए अब हम गॉसस लॉ अप्लाई करेंगे इसी सरफेस पर. तो जब गॉसस लॉ अप्लाई करेंगे तो फाई ए विल बी इक्वल टू 1/ε0 इनटू क्यू. तो यहां आप फाई ए की जगह तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे, फ्लक्स हमने फाइंड कर लिया हम फार्मूला से, और यहां क्यू की जगह वो चार्ज पुट कर लेंगे जो हम ऊपर देख चुके हुए हैं. क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए. जब ये दोनों हम पुट कर चुकेंगे यहां पे तो स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो गई है. 2EA विल बी इक्वल टू 1/ε0 इनटू सिग्मा ए हो जाएगा. तो यहां से
ई को इसी साइड पर रहने दें, ए ए से कट जाएगा, टू साइड पर जाके सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में देखें तो ई विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट वेक्टर होगा। तो यहाँ पर इस आर का क्या मतलब है कि आर इस यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट होगी। तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो बातों पर डिपेंड कर रही है कि एक तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ रही है उस शीट पर, दूसरा कि उस पॉइंट जिस पर आपने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके और शीट के बीच में कोई मीडियम है या नहीं है। अगर मीडियम होगा तो डेफिनेटली उसका असर होगा, उसका इफेक्ट इन्वर्सली उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो पॉइंट शीट के करीब हो या शीट से दूर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। शीट इनफाइनाइट होनी चाहिए, अगर शीट इनफाइनाइट है तो फिर पॉइंट जहाँ मर्जी है, उसके करीब है, दूर है, बहुत दूर है, जहाँ पर भी है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। वजह इसकी ये है कि जितना करीब होता है उतने कम चार्जेस उस पर इफ़ेक्टिव होते हैं, शीट के उतने कम चार्जेस उस पॉइंट पर इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इस तरह से एक खास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पर आ गई। अगर वो पॉइंट थोड़ा सा दूर हटा लें तो अब उस पॉइंट पर इफ़ेक्ट डालने वाले चार्जेस की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा चार्जेज उस पर इफ़ेक्ट डालेंगे, मतलब ये है कि जितना दूर होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ने कम होना था वो कमी कॉम्पेंसेट कौन कर रहा है कि अब ज़्यादा चार्जेज उस पर इफ़ेक्टिव हो गए हैं, उस पर उस पॉइंट पर फोर्स लगाने वाले एक्टिव हो गए हैं। इसी तरह से और दूर चले जाएं तो डिस्टेंस की वजह से जो फील्ड ने कम होना था वो अब चूँकि एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, शीट के और ज़्यादा चार्जेज उस पर इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको बार बार गौर से सुन के तो आपने देखना है। इसकी एक रिजेंबलेंस होती है कि आप अगर किसी दीवार के बिल्कुल पास खड़े हों तो आपका फील्ड ऑफ व्यू बहुत नैरो सा होता है, तंग सा होता है। आप थोड़े से दूर हो जाएं तो आपको दीवार का ज़्यादा हिस्सा नज़र आने लगता है, इसी तरह से और दूर हो जाएं तो और ज़्यादा हिस्सा नज़र आने लगता है। तो यहाँ जो फील्ड ऑफ व्यू की बात हो रही है, इसी तरह से वो पॉइंट जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो जितना शीट के करीब होता है उतना उस शीट के कम चार्जेस उस पर इफ़ेक्ट डाल रहे होते हैं, और इसी तरह से जितना वो दूर होता है ज़्यादा चार्जेस उस पर फोर्स लगाने के लिए अपना फील्ड वहाँ पर दे रहे होते हैं, अपनी फोर्स दे रहे होते हैं। तो टेस्ट चार्ज जिसको वहाँ रख के आपने फील्ड की इंटेंसिटी चेक करनी है वो जिस भी पॉइंट पर रखेंगे सेम फोर्स लगाएगा।